सत्येंद्र जी, आप लोगों का प्रोजेक्शन जो आपने कल बताया, बहुत अलार्मिंग प्रोजेक्शन है। आपने कहा 30 जुलाई तक हो सकता है कि दिल्ली के अंदर 5.5 लाख केस हों, आपको 80,000 बेड की आवश्यकता पड़ेगी। अभी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का और कैसे अब आप तैयारी करेंगे, क्योंकि लोग फिलहाल डरे बहुत हुए हैं। देखिएगा, मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये प्रोजेक्शन बेस्ड हैं पुराने 2 महीने के डाटा के ऊपर। पहले शुरू में जो प्रोजेक्शंस की गई थी वो दूसरे देशों के प्रोजेक्शंस के ऊपर थी, ये दिल्ली के एक्चुअल डाटा के ऊपर हैं। हमने देखा कि पिछले 1.5-2 महीने में every 2 weeks हमारे केस डबल हो रहे हैं, हर 2 हफ्ते में डबल हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा था कि हफ्ते भर में भी डबल हो रहे थे, तो वो स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा थी। अब 2 हफ्ते में, अभी भी 12 से 13 दिन के बीच में, उसी प्रोजेक्शन को लेते हुए अगले 2 महीने के लिए प्रोजेक्शंस को किया गया है और बिल्कुल रियलिस्टिक है। अगर इसको हम मैक्सिमम पे देखें तो इससे कई गुना हो सकता था। पहले जैसे ICMR ने प्रोजेक्शंस की थी उसके हिसाब से तो अभी तक दिल्ली में 2 लाख केस हो जाने चाहिए थे मैक्सिमम के हिसाब से। उन्होंने 3 सिनेरियो बनाए थे कि भाई बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट। तो वर्स्ट के सिनेरियो में तो आज भी दिल्ली में 2 लाख केस हो चुके होते, परंतु हम उस डाटा के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो एक्चुअल में चल रहा है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है, उसके हिसाब से देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को बता देना चाहूँ, रेट ऑफ ग्रोथ है क्या चीज़। एक पेशेंट जब इन्फेक्ट होता है, अगर वो 2 हफ्ते में ठीक हो रहा है, तो 2 हफ्ते में ठीक होने से पहले उसने कितने लोगों को इन्फेक्ट किया। अगर वो 2 लोगों को भी कर देता है, मतलब 14 दिन के अंदर सिर्फ 2 लोगों को इन्फेक्ट करता है, उसकी फैमिली मेंबर भी सोचते हैं, उसके साथ वाले भी लोग भी हो सकते हैं, तब भी ये डबलिंग जो है 8-10 दिन में हो जाती है। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो लोग ठीक हो रहे हैं वो 1 या 2 लोगों को इन्फेक्ट जरूर कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो इसके डबलिंग रेट लिया गया, जो प्रोजेक्शंस ली गई हैं कि 30 जून को लगभग 1 लाख और 31 जुलाई तक 5 लाख से ज़्यादा केसेज हो जाएंगे, ये प्रोजेक्शन काफ़ी रियलिस्टिक उसके लिए गई हैं। ये बात अलग है कि जैसे पहले एक बार सोच रहे थे कि भाई कोरोना शायद चला जाएगा, भाई जब लॉकडाउन स्टार्ट किया गया था तब सबको एक्सपेक्टेशन था कि कुछ दिनों के बाद कोरोना चला जाएगा। कुछ लोगों ने तो कहा था, 16 मई की डेट दी थी कि भाई 16 मई की डेट है, उस दिन देश में एक भी कोरोना का केस नहीं रहेगा। परंतु कोरोना के केस तो दिल्ली में हैं, देश में भी हैं और बढ़ भी रहे हैं। लोग ऐसा भी कहते थे कि भाई ये वायरस गर्मी को झेल नहीं पाएगा, अभी ठंडे देशों में है, जैसे गर्मी आएगी हिंदुस्तान में तो वैसे ही नहीं चलेगा, और 37 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद ये कोरोना तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 37 नहीं, 47 टेम्परेचर हो गया, कोरोना भाई है। कई सारे लोग कहते हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म क्यों किया। अरे भाई, कुछ 100 केसेज थे देश में तब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, कुछ लाख केसेज हैं जब उसको ख़त्म किया गया। आज आप दोबारा से लॉकडाउन स्टार्ट कर देंगे तो मुझे कुछ लाख पे स्टार्ट करेंगे तो पता नहीं कितने गुना ज्यादा पे आप उसको फिर खोलेंगे। पर आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन में छूट हुई, दिल्ली में भी छूट हुई, काफी छूट हुई पिछले कुछ दिनों में, उसकी वजह से कुछ केसेस ज्यादा बढ़ेंगे? देखो, मैं बताना चाहूँगा, केसेस की रेट ऑफ ग्रोथ लॉकडाउन में भी उतनी ही थी। ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन में ग्रोथ नहीं थी, लॉकडाउन में भी 2 हफ्ते में डबल हो रहे थे। अब क्योंकि बेस ज़्यादा हो गया है, अब दिल्ली में 30,000 केस हो गए हैं, तो अगले आने वाले 2 हफ्ते में हम मान सकते हैं कि लगभग 30,000 केस हो सकते हैं। जब केस ही मान लो 500 थे तो 2 हफ्ते में 500 के 1,000 हुए। तो और लॉकडाउन से जो जो बेनिफिट मिले, लॉकडाउन वाज ए लर्निंग एक्सरसाइज। लॉकडाउन से ये था कि हमें पता नहीं था ये वायरस कैसे बिहेव करेगा, किसी को भी नहीं पता था। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उनको किसी को ये नहीं पता था क्या कैसे बिहेव करेगा। तो अब थोड़ा सा पता लगा है, इससे रोकथाम के रास्ते भी पता लगे हैं। देखो, कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि भाई मुझे नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहते बाकी सबको हो जाएगा, मुझे नहीं होगा। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भी थोड़ा सा संभल के चले, कभी भी पब्लिक में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। आपके साथ एक भी आदमी है तो मास्क 100% लगाएं। अगर गाड़ी में आप बैठे हैं, अकेले हैं तो बिल्कुल मत लगाएं। अगर आपके साथ एक भी आदमी बैठा है तो मास्क दोनों को लगाना अवश्य है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और तीसरा, बार बार साबुन और पानी से हाथ धोएं। अगर इन 3 चीज़ों का पालन आप कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉकडाउन के बेनिफिट थे अभी भी मिल जाएंगे। पर कई लोग हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना मास्क लगाते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग का फर्क ध्यान रखते हैं, बाद में जब हो जाता है तो किसी को आरोप लगा। क्या उन ऐसे लोगों के लिए कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसी की आवश्यकता है दिल्ली जी? के अंदर बिल्कुल कहीं ना कहीं फाइन करने की, अगर आप जी, मास्क बिल्कुल नहीं लेके आते हैं, या लोग अगर गैर जरूरी काम के लिए बाहर जबरदस्ती ऐसे घूमते घामते दिखाई पड़ रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ सरकार पॉलिसी देखिएगा, लेके मैंने आए? बताया कि 3 चीज़ों के ऊपर हम जरूर करेंगे कि मास्क अगर नहीं लगाएंगे तो उसके ऊपर फाइन किया जाएगा। जैन साहब, लोग डरे तो हुए हैं, सबको लग रहा है कोरोना का मतलब डेथ सेंटेंस होता जा रहा है, ऐसा कम से कम लोगों को डर ऐसा बैठा जा रहा है।
कुछ ऐसे केसेस भी आए जो उन्होंने दिख रहा है कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल से चौथे हॉस्पिटल घूम रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऐप में बेड दिख रहे हैं पर बेड नहीं मिल पा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर आप देखें तो ऐप में बेड दिखते ही नहीं है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल की डिमांड बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड काफी दिख रहे हैं। सरकार अब इस चुनौती को लेकर तैयारी कैसे करेगी, बेड कैसे बढ़ेंगे और इस बात को कैसे बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को बेड मिले? देखिएगा, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 3,000 बेड अवेलेबल हैं, टोटल बेड्स हैं, जिसमें से जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके बेड्स लगभग ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। मैंने परसों बैठ के ज़्यादातर हॉस्पिटल्स को बुलाया, उनसे बातचीत की, 2,000 बेड हमने और ऐड किए हैं जो कि सारे अवेलेबल अगले 3-4 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो उनके साथ बैठ के लगभग 5,000 बेड हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ कर लिए। साथ ही साथ हम होटल्स को, 4-स्टार होटल्स, 5-स्टार होटल्स को प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ जोड़ रहे हैं। फिर हम बैंकेट हॉल्स हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं, इवन स्टेडियम्स हैं, उनको भी रैंप अप कर रहे हैं ताकि कैपेसिटीज को बड़े स्केल पे बढ़ाया जा सके। बहुत बड़े स्केल पे बढ़ाना होगा और हम बढ़ा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद ये काम थोड़ा और पहले हो जाना चाहिए था, जो लॉकडाउन का पीरियड था उसका इस्तेमाल इस तरह के काम में होना चाहिए था, या आपको लग रहा है कि दिल्ली जितने केस आ रही है उसके हिसाब से तैयारी कर रही है, स्टेप बाय स्टेप तैयारी है, ऐसा नहीं है कि पहले से ही? देखिएगा, ऐसा होता है, अगर नहीं फैलता तो, अगर उनकी प्रेडिक्शन ठीक होती, 16 मई को चला जाता तो आप भी मुझे कहते कि यार देखो कमाल कर दिया उन्होंने, होटलों पे होटल्स ले लिए, 50 होटल ले लिए, एक भी आदमी नहीं है। भाई होटल्स को हमने प्लान अप कर रखा है ना, हमने दिल्ली में 10,000 होटल रूम्स को प्लान किया हुआ है कि अभी फर्स्ट फेज में हम जल्द से जल्द ले लेंगे, परंतु मैं उनको लेके बैठ जाऊँ 10,000 में से मेरे पास 100 भी पेशेंट ना हो तो क्या फ़ायदा होगा। ऑलरेडी हमने 1,000 होटल रूम्स को रिक्विजिशन कर चुके हैं, 1,000 होटल रूम्स की हम रिक्विजिशन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो देर जल्दी ही ऑपरेशन में आ जाएंगे। तो उसको स्टेज बाय स्टेज तो करना जरूरी है ही, अगर पहले सब कुछ कर दिया, आपने मैन पावर लगा दी वहाँ पे, सब कुछ स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे पेशेंट नहीं हो तो फायदा क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग आने से कतरा क्यों रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी दिखता है एलएनजेपी में करीब 700-800 बेड हैं, जीटीबी में भी करीब 1,000 बेड हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक भी बेड नहीं मिल रहा। देखिएगा, एक तो फर्क यह है कि सरकारी हॉस्पिटल में बेड ज़्यादा है, हमने काफ़ी सारे बेड्स जो आपने बताया ना, अभी आपने अपनी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई हमने हॉस्पिटल्स के, अभी जीटीबी हॉस्पिटल को 3 दिन पहले हमने 1,500 बेड और ऐड कर दिए। पहले होते नहीं, पहले हमारे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी और एलएनजेपी दोनों में 2,500 बेड थे, हमने 1,500 बेड और जोड़ दिए जीटीबी में, जीटीबी का पूरे पूरे जोड़ दिए। जब 1,500 जुड़े तो एकदम से फुल नहीं होता, इट विल टेक टाइम। हमने इसी तरह से अपने दो हॉस्पिटल और 200-200 बेड जोड़ दिए, तो 1,900 बेड हमने पिछले हफ्ते में जोड़े हैं अलग से। तो अब आपको टोटल में देखेंगे तो लगेगा सरकारी में खाली है। पर आपको लगता है कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी ये है कि सरकारी हॉस्पिटल में शायद इतनी अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, इस तरह का माइंडसेट है लोगों का? मुझे नहीं लगता। देखिए, अभी भी आप देखेंगे कुल मिला के सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा पेशेंट हैं और प्राइवेट में कम है। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी चाहिए होती है, अलग से रूम चाहिए, तो फिर प्राइवेट पसंद करते हैं। सर, एक तो है बेड्स का बढ़ाने का, वेंटिलेटर्स का बढ़ाने का, क्या पर्याप्त वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजनेटेड बेड्स भी हैं दिल्ली में, और क्या इसको रैंप अप कर पाएंगे? 80,000 बेड तक ले जाने की बात हो रही है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल पूरी जान लगा रहे हैं हम लोग। हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लगा रहे हैं, पाइपलाइंस लगवाई हैं, तो बिल्कुल इसको कर रहे हैं और ज़्यादातर बेड्स ऑक्सीजनेटेड बेड करने की प्लानिंग है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलिए फिर भी क्रिएट कर देंगे, मेडिकल पर्सनल जो है, स्टाफ जो है, डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी जो स्टाफ है, अगर इस जो स्थिति जो प्रोजेक्शन में है, अगर वो स्थिति बनती है, तो क्या पर्याप्त मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे दिल्ली में? नहीं, देखिएगा, लोगों को यूज़ करेंगे हम, जो भी है कि इसको रिलैक्स भी करेंगे, हो सकता है आयुष के डॉक्टर जो हैं उनको भी हम यूज़ करेंगे, डेंटल डॉक्टर्स हैं उनको भी यूज़ करेंगे, और इवन हम थोड़ा रिलैक्स करें नर्सेज के लिए ANMs हैं उनको भी यूज़ करेंगे, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे सबका यूज़ किया जाएगा। क्या कुछ प्लान इसके लिए ड्रॉ हो रहा है? क्योंकि मुंबई में जैसे देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, वहाँ कमी पड़ रही है डॉक्टर्स की, और जो देखिएगा डॉक्टर्स का मैं बता दूं आपको, डॉक्टर्स का नंबर्स तो ओवरनाइट बढ़ने वाला नहीं है, बट उन्हीं को हम ठीक तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपको लगता है जिस तरीके से जो प्रोजेक्शंस हैं उनको देखते हुए, स्कूल्स के खुलने की जैसे बात हो रही थी कि जुलाई में या अगस्त में खुले जा सके, अभी दिल्ली स्थिति में है एटलीस्ट इन प्रोजेक्शन को देखते हुए कि स्कूल्स जो हैं, बच्चे वल्नरेबल सेक्शन में भी आते हैं, उनको खोला जाए अभी इस समय? देखिए, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स अभी थोड़ा सा लगता नहीं है कि अभी समय लगेगा उसमें। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, बार बार ये बात हो रही है कि जैसे दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात है, आपने ये भी बोला कि दिल्ली के लिए बेड्स को रिजर्व करा जाए दिल्ली के लोगों के लिए, LG साहब ने उसको पलट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना आपको इसमें सपोर्ट मिल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कितने, ये जो आप 80,000 बेड बनाने की जो कोशिश कवायद चल रही है दिल्ली में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने बेड आपको उम्मीद है कि आप ऐड हो पाएंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, दिल्ली के अंदर लगभग 10-11 हज़ार बेड दिल्ली सरकार के पास हैं और इतने ही लगभग केंद्र सरकार के पास है, 12,000 के करीब बेड हैं।
देखते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे जितना भी वो हम सेल्फ हेल्प कर पाएंगे उतना अच्छा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे बड़े अस्पताल जो हैं एम्स सफदरजंग, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है, तो वहाँ से कुछ और मदद मिलनी चाहिए दिल्ली में कोविड करेंगे, नाइन्टीन की फाइट अभी को? मुझे लगता है वो भी इस बात को मानेंगे और करेंगे जरूर। क्योंकि अभी तक इस तरह से दिखा नहीं है। एक जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल हैं वो बड़े स्टैग्नेंट रहे हैं नंबर ऑफ बेड्स को लेकर, और साथ ही साथ जो बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे कैपेसिटी बहुत बड़े लेवल बढ़ाई जा सकती है, उनको लेकर एक बार बार सवाल उठ रहा है कि वो क्यों नहीं आ रहे, सफदरजंग पूरी तरह से क्यों नहीं आ रहा, या एम्स का में थोड़े और बेड क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे, और साथ ही साथ दिल्ली सरकार के जो बाकी सरकारी अस्पताल हैं उनसे भी क्या आप बेड निकालेंगे नहीं अभी? नहीं देखिएगा, दिल्ली सरकार के हमने 5,000 बेड तो अभी तक कोरोना के लिए डेडिकेट कर दिए हैं। फर्दर 1,000 हम और थोड़े दिनों के अंदर और कर देंगे, 6,000 के करीब हो जाएंगे। उसके बाद उसको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के साथ हम बैंकेट हॉल्स को अटैच कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को अटैच कर रहे हैं ताकि उसको कैपेसिटी को मल्टीफोल्ड बढ़ाया जा सके। तो हम काफ़ी बड़े स्केल पर उसको एक्सपेंशन की तैयारी है। एक आखिरी सवाल टेस्टिंग को लेकर है, क्योंकि बहुत बार बार दिल्ली में सवाल अभी उठ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि टेस्टिंग एक तुम लोगों को मुश्किल हो रही है कराने में, दूसरा क्या दिल्ली की टेस्टिंग कैपेसिटी जानबूझ के कम करी जा रही है? अगर आप पिछले 10 दिनों का डेटा उठाकर भी देखें तो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होते हुए एक 7-1 हज़ार से जो मई के एंड में थी, अब वो करीब 3-3.5 हज़ार टेस्ट पर डे के हिसाब के पास आ गई है। देखो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको, टेस्ट कराने का तभी फ़ायदा है कि टेस्ट की रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाए। अगर टेस्ट आपने करा लिया और रिपोर्ट आपके 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 6 दिन बाद आ रही है, उस टेस्ट का तो कोई यूज़ नहीं है। आपने टेस्ट करा के फंस गए बीच में, टेस्ट कराया, आप कोरोना हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई ये तो कोरोना हॉस्पिटल है, हम आपको एडमिट कैसे करें? आप अगर नेगेटिव हुए हमारे यहाँ एडमिट करने से तो आपको कोरोना हो जाएगा। आप दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, वो कहते हैं यार एक बार टेस्ट तो करा लो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपके सिम्टम तो सारे कोरोना वाले हैं। तो अननेसेसरी में क्या होता है कि भाई वो डिले रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सारे लैब्स ने क्या किया, एक एक हफ्ते बाद रिपोर्ट देने लगे। अरे भाई एक हफ्ते 10-12 दिन में तो वैसे ठीक हो लेते हैं, तुम हफ्ते भर में रिपोर्ट दे रहे हो, 4 दिन में रिपोर्ट दे रहे हो, 5 दिन में रिपोर्ट दे रहे हो, उससे लॉजिक नहीं बनता है। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिलनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ टेस्ट अगर थोड़े कम भी लग रहे हैं आपको, पेशेंट तो नहीं कम हुए। तो आप कहते हैं कि भाई उनको रिपोर्ट 24 घंटे में दे रहे हैं, जल्द से जल्द दे रहे हैं, ये फायदा है। क्या सत्येंद्र जैन दिल्ली के लोगों को और देश में से, क्योंकि अब तो बाकी जगह से भी पेशेंट यहाँ पे आ सकते हैं, उनको ये आश्वासन दे सकते हैं कि आप दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं होगी, टेस्टिंग फैसिलिटी की कमी नहीं होगी, केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, चैलेंज जरूर है दिल्ली सरकार के लिए, लेकिन दिल्ली सरकार लोगों को कम से कम इसका खामियाजा नहीं भुगतने नहीं, देगी? देखिएगा जनता के साथ मिलके, सबके साथ मिलके हम बिल्कुल पूरी जान लगाएंगे और करेंगे। इसके लिए जो भी इंतजाम करने पड़ेंगे, मैंने आपको बताया कि हमारे को जो 30 जून के लिए बेड चाहिए, वो 30 जून के लिए टारगेट नहीं है, हमने टारगेट रखा 20 जून तक पूरे होने चाहिए। आज हमारी ऑक्यूपेंसी ऑफ बेड लगभग 5,300 है, परंतु हमने 10,000 से ऊपर बेड किए हुए हैं। हमारा टारगेट ये है कि जितने ऑक्यूपाइड हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आगे बना के रखें। और इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 15,000 पे जब होंगे तो उस टाइम हम 30,000 तैयार कर चुके होंगे, उसकी तैयारी हम बिल्कुल कर रहे हैं।